चित्र खराब हो तो चलता है, लेकिन चरित्र खराब हो तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि चित्र बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और चरित्र बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। अभी आपने देखा, एक आदमी अपनी ही अंतरंग वीडियो बना रहा है। कोई औरत शौक से नग्न नहीं होती, लेकिन कोई व्यक्ति उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है, क्या ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक है? जरा सोचिए। अरे यार, तुम्हारी जोरू के नाम चेयर्स, क्या माल लाया है। लेकिन इसका क्या, इसके बारे में सोचो ना। कोई बात नहीं। अरे बादल गया तेल लेने। हाँ बोलो। एक गर्मा गर्म वीडियो देखो। अरे वाह, तुम्हारी जोरू का है क्या? व्हाट्सअप एक बार चांस दे यार, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। चेस भाई, ये जो है ना, ये चेस, इसकी जोरू के नाम पे चेस। चेस प्रणाम भाभी जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कौन? मैं आपके पति का फ्रेंड हूँ। ओके। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता। मुझे क्या दिखाना चाहेंगे आप? कभी मुझे भी मौका दे दीजिए भाभी जी। जैसा आप समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेवड़ा है, शराब पीता है, वो नशे में रहता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। आप डरिए मत, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सच? सच। बर्दाश्त की भी हद होती है। रुको, मैं कुछ करती हूँ, तू चिंता मत कर बेटा, मैं इसका कुछ ना कुछ हल निकालती हूँ, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। मैं आती हूँ, फिर हम दोनों मिलके पुलिस कंप्लेन करते हैं। तो क्या समस्या आपकी, बताइए। सर, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन लिखवानी है। बहुत परेशान करता है, मुझे मारता भी है और बहुत ज्यादा मेरे साथ गलत करता है। रोज दारू पी के आता है और नए नए दोस्तों को लेकर आता है और मुझे वो सबके साथ शेयर करना चाहता है। तो आपको पहले ही कंप्लेंट करनी चाहिए थी। सर, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो सर मेरे पति ने वो काम किया कि मैं बता नहीं सकती। उसने बहुत अश्लील वीडियो बनाई है अपनी और मेरी सेक्स करते हुए। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम आपकी कंप्लेंट लिख रहे हैं। बताइए क्या नाम है। जी सर, संजय। और कितने लोग हैं? चार लोग हैं सर। नाम बताइए। पवन। और संदीप। संदीप और सूरज। कोई नहीं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, हमने रिपोर्ट लिख लिया है, बस जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। जाके पता लगाओ कि ये संजय कहाँ मिलेगा, क्योंकि महिला उत्पीड़न का केस है, इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। जी सर। पता करो। इज्जत बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इतना समय लगता है कि आप सोच नहीं सकते। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हमारा इज्जत समाज में ऊंचा रहे, लेकिन एक पति अपनी ही बीवी की इज्जत दोस्तों में उछाल रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे, जब भी आप किसी के साथ हम बिस्तर हो रहे हो, आपका कोई भी चोरी छुपे वीडियो ना बना रहा हो, ताकि आपका कोई चरित्र हनन ना कर सके। कौन आ गया इतनी सुबह सुबह?
आता हूँ। पुलिस चुपे सर, यहाँ छुपा दो सर, छोड़िए सर। सर मैंने क्या किया सर? लड़के छेड़ता है सर। सर सर प्लीज मारो इसे। ये लोग नहीं सर, चल छोड़ दे, चल थाने, चल थाने। मेरी पत्नी के साथ बात करता है, झूठे ले जाइए सर इसे। चल सारे सर, चल चल सर, चल थाने में, चल चल सर, मुझे माफ कर दो। अरे चल आगे चल सर, गलती हो गई सर। सर 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 बताता हूँ तुझे, मैं तुझे बताता हूँ मैं। बहुत जवानी चढ़ी तुझे, बहुत चर्बी चढ़ गई ना तुझे। चल चल तेरी आज चर्बी निकालता हूँ मैं। बैठ नीचे, बैठ। बोल सर, बोल। मैंने बनाया था वीडियो सर। क्यों बनाया था, क्यों बनाया था? मेरे दोस्तों में सब चल रहा था। कब से चल रहा था? हम एक दूसरे के वीडियो बना के शेयर करते थे। क्या बात है, बहुत रंगीन मूड बन रहा है तुम्हारा तो। हटो, अभी तो पूरी रात बाकी है, इतनी जल्दी हटा दी। एक बात बोलूं? क्या बोलना है? मेरे दोस्त है ना, उनको समझा करो यार। क्या नहीं समझ रही मैं? हैंसम है तो क्या करूं मैं? सबके पति हैंसम होते हैं, तुम भी हैंसम हो, उसकी बीवी भी सुंदर होगी, खूबसूरत होगी। तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, समझे आप? चलो निकलो अभी। आज के बाद ना दोबारा ना मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। सोनिया, ए, हाँ? छोड़ो ना, अरे छोड़ो ना यार, अरे अरे प्लीज, काम करती रहती हो, इधर बैठो। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अच्छा सुनो ना, हाँ? मेरा एक बचपन का दोस्त राहुल आया है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। तुम्हारा दोस्त है उसे बाहर रखो, मुझे नहीं मिलना किसी से। अरे तुम सुनो तो सही, मेरा बचपन का दोस्त है, खास दोस्त है, शादी के बाद उसने मुझे देखा भी नहीं, आज आ रहा है उससे। तो मुझे क्यों देखना चाह रहा है वो? अरे मेरा खास दोस्त है। हाँ खास है, बाहर रखो, आप ही मिलो बाहर उससे, मुझे किसी से नहीं मिलना। अरे प्लीज सुनो, सुनो तो मेरी बात, वो आ रहा है, तुम उससे मिल लो, प्लीज मान लो ना, प्लीज मेरे लिए, प्लीज। ठीक है, अच्छा ओके राहुल। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूँ, ठीक है? ओके। मैं नाश्ता वास्ता भी लेता हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। बैठिए राहुल जी। मैंने आपके काम में प्रॉब्लम तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, आप एक्चुअली झाड़ू लगा रहे थे। कोई बात नहीं, ये तो मैं बाद में भी कर लूंगी। तो मैं चाय नाश्ता बना लूँ ना आपके लिए फटाफट? चाय नाश्ते? अरे नहीं नहीं, आप मेरे घर पहली बार आए हो। नहीं नहीं, मैं लेके आती हूँ। इससे अच्छा आप झाड़ू मार लीजिए। भी सही है, तब तक वो आ जाएंगे। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? वो मेरा दोस्त संजय ने बोला था ऐसा। क्या बोला था संजय ने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने के लिए? उसने बोला था मेरे से। क्या बोला था उसने? रोमांस कर सकते हो तुम ऐसे किसी भी दोस्त के बीबी के साथ, रोमांस कर सकते हो बिना पूछे? हाँ
तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ रोमांस। अरे अरे क्या कर रहे हो? आज के बाद तुम किसी से भी रोमांस नहीं करोगे। मुझे संजय के बारे में बात करनी है। मामा ये संजय है ना, कभी सुधरने वाला नहीं है। इसने फिर से वैसी हरकतें करनी शुरू कर दी मामा। वही दारू शराब जुआ, दोस्तों के साथ में घूमना, फिर से वही सारी चीजें करनी स्टार्ट करती है। मामा मैं बोल रही हूँ कभी नहीं सुधरने वाला है ये इंसान। अब तो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ये। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ, इसे मैं कैसे सुधारूं? पता है आज उसने क्या किया? अपने दोस्त को लेकर आया था और मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा था। क्या बोल रही है बेटा ये? मम्मा पागल हो गया क्या वो? और उसके दोस्त ने कहा कि मेरे दोस्त ने बोला है कि तू मेरे बीबी के साथ में बदतमीजी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, और मम्मा उसने वैसे ही किया। कौन था वो जिसे तुम लेकर आए थे? तुम जिसे पाते हो उसे उठाकर ले आते हो अपने घर में? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना बदतमीज इंसान था वो, और मेरे ऊपर नजर रख रहा था, मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो मेरा दोस्त है बचपन का, और दोस्ती में सब बराबर का हिस्सा होता है। अच्छा, तो वो अपनी बीबी तेरे साथ सुलाएगा क्या? अपनी बीबी से पूछा कभी उसने? उसकी बीबी आएगी तो तुझे सोने के लिए देगी क्या? नहीं ना। अरे तू कैसा पागल इंसान है, तेरे अंदर कुछ शर्म नाम की चीज ही नहीं है। सब होता है। तू घटिया इंसान है, तेरे साथ तो मुझे रहना ही नहीं अब। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। अपने दोस्त के लिए तू मुझे थप्पड़ मार रहा है, खुद भी गलत है। अब तू रह अकेले यहीं पे, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है अभी से, ये पूरा रिश्ता खत्म, समझा तू? और मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ, समझा तू? तू सड़ यहीं पे मर। आज के बाद ना मुझसे कभी मिलना नहीं। हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं, जो किसी के साथ भी हम बिस्तर हो जाएंगे। उसने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर जो कदम उठाया उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हेलो। हाँ बोलो। 6 महीने से परेशान हूं मैं तुम्हारे बिना, मर मर के जी रहा हूं मैं। हे, अब कोई गलती नहीं होगी, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मान जाओ, कोई परेशानी भी नहीं दूंगा तुम्हें मैं वादा करता हूँ, और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम कितना प्यार करते हो, रोज रोज दारू पी के आते हो, झगड़े करते हो, यही तुम्हारा प्यार है? नहीं, अब नहीं कोई गलती होगी, अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, प्लीज प्लीज मान जाओ ना। हर बार बोलते हो कि हाँ मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात को? देखो मैं नहीं मानने वाली हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। 6 महीने से मर मर के जी रहा हूं मैं, अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ रहा हूं, बस। अब तो काम बन गया, आ रहा हूं मैं। 6 महीने से परेशान किया है ना तुमने, आह
मुझे अरे माफ, माफ कर दो मुझे। अच्छा छोड़ो तो सही, क्या हो गया तुम्हें? अरे मुझसे गलती हो गई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कोई पैर पड़ता है क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके। छह महीने से छोड़ के गई हो, तुम्हें पता नहीं मैं कैसे जी रहा हूं। क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी? क्यों इतना पीते हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम शराब पीते हो, झगड़े करते हो, ये अच्छी बात है क्या? नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तुम बार बार वही करते हो। नहीं, एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, सब कुछ। कितनी बार भरोसा करूं? एक बार, दो बार, हर बार भरोसा ही तो करती हूँ आप पे। और मुझे क्या मिलता है? मारपीट, झगड़ा, गाली, कितना सहन करूं मैं यार? मेरा यकीन करो। कैसे करूं? हाँ? कैसे करूं यकीन? मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस बस। अरे बादल गया तेल लेने। हाँ बोलो। एक गर्मा गर्म वीडियो देखो। अरे वाह, तुम्हारी जोरू का है क्या ये सब करता तू? समझ में आता तुझे क्या कर रहा था? मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी और पति के पवित्र रिश्ते को तू ये मार्केट में ऐसे उछालते हैं? हाँ जानता तू क्या कर रहा था? मार इसको मार। साहब 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 माफ कर दीजिए साहब साहब साहब, गलती है साहब साहब साहब, मैं नहीं करूंगा साहब। सड़ेगा यहाँ ना तो पता चलेगा। सर सर जाने तो सर सर। बैठिए आप, चिंता ना करिए, जो इसने ये हरकत की है ना इसे कोई छुड़ा नहीं सकता। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा चार्ज लगाऊंगा इसके घर वाले कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन बाहर नहीं निकलेगा ये। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कैसे सीधा करना चाहिए। ये लीजिए, साइन करिए आप लोग। आप भी साइन करिए और आप भी साइन कर दीजिए। ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा चलिए, आप लोगों के साइन ले लिए हमने, अब देखता हूँ कौन बचाता है इसे। जाइए। उसके पास जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता ना था। उसे अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। अपराध करने से पहले 100 बार सोचें, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।